मैं मदन लाल चलोत्रा, चेयरमैन ओबीसी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और मेरे साथ दर्शन बैरा जी हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं ओबीसी डिपार्टमेंट के JKPCC। मेरे साथ जो दाई साहब हैं ये हैं विकास मेहरा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हम आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो रिसेंटली श्री तारा चंद जी पर अटैक हुआ है कुछ गुंडों की तरफ से, तो वो बाल बाल बच गए हैं, क्योंकि सुनने में यह आया है कि वो जो लोग थे रात को 8:30 बजे वहाँ मीटिंग चल रही थी तारा चंद जी की, 50 आदमी के करीब बैठे थे लोग, वो ये भी रात को आते हैं शराब पीकर, और इनके पास सुना हथियार भी थे, और वो उनको बार बार कहते थे आप बाहर आओ, हमने आपसे बात करनी है। तो वो अगर वो बाहर जाते तो शायद उनका कत्ल हो जाता। तो कुदरती हम कहते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी से वो बच गए, अगर बाहर जाते तो मर जाते, उनको मारा जाता। तो इसके पीछे मैं हम सोचते हैं जो SHO है उसको जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करके, और जो उनका मास्टरमाइंड है, इनके पीछे कोई साजिश है, इनका जो मास्टरमाइंड है, अगर इस किस्म की हस्ती को जो इतना बड़ा लीडर है उसका सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है, तो बाकी आम आदमी को क्या होगा। तो हम ये चाहते हैं, हम इसकी अपनी पूरे समाज की तरफ से कंडेम्प्ट करते हैं, और पूरा हम चाहते हैं ये हमारा SC ST OBC मिनोरिटी का अफसर 90% लोगों की ये नुमाइंदगी करते हैं, और ये ऐसे शख्स हैं ईमानदार हैं और गांव से जुड़े लोग हैं, इनके पास कोई जात पात कोई मसला नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलते हैं। तो हम अपनी तरफ से अपने पूरे समाज की तरफ से कंडेम्प्ट करते हैं जो इन्होंने अटैक किया, और उनको जल्दी से जल्दी पकड़कर ये पूरी इंक्वायरी की जाए भी इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। उसके बाद मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी दर्शन महाराज जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे की कार्रवाई जगह शुरू करें।